पर लक्सर से है, लक्सर विधायक संजय गुप्ता के पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद से भाजपाइयों में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि ने आरोप लगाया था कि मदन कौशिक और उसके समर्थकों द्वारा चुनाव में उसे हराने का काम किया गया है। इसी बीच पार्टी जिलाध्यक्ष जयपाल चौहान लक्सर के एक सभासद भूपेंद्र निगम और एक सभासद पति मोनू वाल्मीकि तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष राहुल अग्रवाल सहित चार भाजपा नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया। उधर अपने निष्कासन की कार्यवाही विधायक के आरोपों पर पलटवार करते हुए नामित सभासद और सभासद पति तथा पूर्व मंडल अध्यक्ष ने कहा कि निष्कासन की बाबत उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। रही बात विधायक की हार की, अपनी हार के लिए विधायक संजय गुप्ता खुद जिम्मेदार है। उनके उल्टे सीधे कारनामे और जनता से दूरी ही उनकी हार का कारण है प्रदेशाध्यक्ष, और उन्हें दोष देना बेहद गलत है। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि जिस कार्यकर्ता हम कार्यकर्ता संजय गुप्ता जी के लिए वोट मांगने जा रहे थे, मगर जनता का एक भी कार्य नहीं किया। इसकी वजह से आक्रोश इतना था कि हमारी सीट पर भी दाव खेला जा रहा था, और संजय गुप्ता जी ने अपना खुद कबूल किया कि मैंने 4.5 साल कोई भी कार्य नहीं किया, इसलिए वो खुद स्वयं अपना हार का कारण बन रहे हैं, जबकि कार्यकर्ता नहीं। यह आरोप लगाने वाले अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। कुछ जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक जी के द्वारा जो प्रायोजित कुछ लोग थे, जो शुरू से ही पार्टी विरोधी बात करते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, सदैव प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में और पार्टी के बड़े नेताओं के बारे में स्वयं विधायक जी भी, और वो भी टीका टिप्पणी करते रहे हैं, चाहे वो पुराने मुख्यमंत्री जी का वो झोटा बिरयानी वाला विवाद हो या प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में भी जैसा उन्होंने कल कहा है, उन्हें गद्दार बताया। तो ये विधायक जी का फ्रस्ट्रेशन है, जनता के बीच वो नहीं रहे, उनका अपने कर्मों की वजह से शायद उन्हें लगता हो कि वो हार रहे हैं, तो इसका जो वो ठीक रहा है वो कार्यकर्ताओं पर फोड़ रहे हैं। यह बहुत ही गलत है, और सभी कार्यकर्ता जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो मोदी जी की नीतियों को लेकर चल रहे थे, लेकिन शायद कहीं ना कहीं विधायक जी के कामों में ही कमी रही है, तो उसका ठीक रहा उन्हें औरों पर ना फोड़ कर स्वयं के बारे में सोचना चाहिए। धन्यवाद। जो निष्कासन से संबंधित खबर है वो सोशल मीडिया और आपके द्वारा अभी जानकारी मिली है थोड़ी देर पहले ही, इसके बारे में कोई ऑथेंटिक सूचना हमारे पास अभी तक कोई नहीं आई है, कोई नोटिस वगैरह पार्टी की तरफ से हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा, संजय गुप्ता के हार की जो संजय गुप्ता की हार की वजह, उसका अपना खुद का जो कार्यक्रम रहा, जो उसका काम करने की शैली रही, वो खुद अपने हार का, उन्हें जनता के बीच में कुछ किया ही नहीं। हमने इससे पहले भी एक बार प्रेस करी थी, उसने जनता के साथ झूठ बोला, अंडरपास से लेके कोई आज तक कोई उल्लेख नहीं, आज तक कोई काम नहीं कर रहा, तो जनता ने उसके रोष स्वरूप उसको हराया, उसके कामों को लेकर उसको हराया है, उसकी नाकामी अपने वजह से है, उसके लिए कोई दोषी नहीं है कोई। अभी तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया है, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी माँ से कोई हमें अलग नहीं कर सकता, और जो हार का ठीकरा है अभी कुछ नहीं है, अभी तो पेटी में बंद हैं, और वो जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार हैं, अगर वो उन्होंने जो विकास किया है वो अपना के अपने कारणों से वो हार रहे हैं।